करा कि नहीं काफी है? विद्यालयों के निरीक्षणों में ये पाया गया कि प्रायः शिक्षक और शिक्षिकाएं शिक्षण अवधि में शिक्षण का कार्य छोड़कर बैठकर व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर पर चैटिंग करते रहते हैं। मोबाइल का प्रयोग TLM के रूप में, शैक्षणिक गतिविधियों के रूप में किया जा सकता है, किंतु अनावश्यक रूप में पढ़ाने की प्रक्रिया छोड़ के हमेशा चैटिंग करने को प्रतिबंधित किया गया है। यदि अध्यापन कार्य छोड़ के केवल मोबाइल पे लोग लगे रहेंगे तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो क्या सिस्टम आप? ये BSA को निर्देशित किया गया, हम लोग निरीक्षण भी कर रहे हैं, और ये जब मौके पे पाया जाएगा कि आप अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं और मोबाइल पे लगे हुए हैं तो कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ नया टेक्निक एप्लीकेशन या ऐप्स डाउनलोड करेंगे या इस तरह का, जैसे कि वो GPS? हम औचक निरीक्षण कराएंगे, औचक निरीक्षण कराएंगे, खुद देखेंगे और अपने ABSA के माध्यम से दिखवाएंगे। बिल्कुल सही निर्णय लिया है हमारे BSA साहब ने। विद्यालय में मोबाइल का उपयोग तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आप कर भी रहे हैं तो इसलिए करिए, उससे हम कुछ बच्चों को बताने के लिए कर सकते हैं। जैसे कुछ नई नई चीजें आती हैं तो उसको हम इंटरनेट के जरिए, कुछ नई चीज है, नई विधि है, तो उसको जान के बच्चों को उससे लाभान्वित कर सकते हैं। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि मोबाइल का और कोई उपयोग विद्यालय में होना चाहिए। हाँ, किसी का फोन आता है इमरजेंसी है तो वो तो मैं कर सकती हूँ जी, लेकिन देखने और चैटिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं, व्हाट्सएप चलाने के लिए नहीं।